हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न असुव। आप सभी याज्ञिक साधक योगी भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज बिचकुंडा से लेकर के तेलंगाना के चार चार जगहों से ऑफलाइन में सब लोग एकत्रित होकर के और हम सब मिल करके आज जिस प्रकार हर रविवार को हम अपने घर में रह करके यज्ञ करते हैं ऑनलाइन, आज ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी कहीं 51 कुंडीय, कहीं 21 कुंडीय और 108 कुंडों के साथ हम सब यज्ञ करें, हमारे लिए सौभाग्य की भी बात है, गौरव की भी बात है। और यह देवीय कर्म, ऋषि कर्म को हम अपने हाथों से संपन्न कर रहे हैं, हम सब के लिए सौभाग्य और गौरव की विशेष बात। और इस सारे कार्य को इस रूप में लाने के लिए हमारे आदरणीय भ्राता किशोर भाई जी, जो निरंतर तप पुरुषार्थ करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी मैं विशेष रूप से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए हम सब लोग मिल करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम सब यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। आइए, आप सभी लोगों ने पूर्व की तैयारी कर ली होगी, जैसे हम हर बार करते हैं, एक छोटा सा हवन कुंड। उस हवन कुंड के बीच में ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी संविधाएं, इस प्रकार टुकड़े करके छोटी छोटी संविधाएं लगाई, उसके बीच में थोड़ी सी रुई लगा दी और उस रुई के ऊपर हमने कपूर डाल दिया थोड़ा सा, एक या दो टिकिया पाउडर करके, और ये दो संविधाएं वेदी के अनुसार काट करके हमने ऐसे खड़ी रख दी दो। इसके बाद एक संविधा और हम खड़ी कर देंगे ऐसे साइड में। इससे अतिरिक्त तीन संविधाएं, ये आठ अंगुल, चार और चार, ये आठ अंगुल कही जाती हैं। इस प्रकार के आठ अंगुल की यह तीन संविधाएं विशेष रूप से गाय के घी से भिगा करके रख लेते हैं, और उससे अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा छोटी संविधा लेकर के उसको विशेष रूप से गाय के घी से भिगा करके हम रखते हैं। जो हम अग्निधान करेंगे उसके पश्चात ये जो छोटी संविधा है उसको उस अग्नि की लो के ऊपर, जब हम कपूर को प्रदीप्त करके वेदी के मध्य में रखें उसकी जो लो निकलेगी उस लो के ऊपर इसको रख देंगे, तो तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, संविधाओं में अच्छे से अग्नि लग जाती है। तो ऐसे ये संविधा की पूर्व तैयारी आपने कर ली। इसी प्रकार एक छोटा सा पात्र लेकर के उसके अंदर गरम किया हुआ गाय का घी, ये आप देख रहे गरम किया हुआ गाय का घी, इस प्रकार गरम किया हुआ गाय का घी रख लेते हैं। और एक दीपक, उसके अंदर भी एक छोटी सी बाती लगा करके और उसको भी गाय के घी से सिंचित कर दिया है। थोड़ा कपूर, जो हमने पहले भी इसमें एक टिकिया को ऐसे करके दबाते हैं तो पाउडर हो जाता है ऐसे, और उसको ऐसे
रुई और जो समिधाएं रखी उसके ऊपर उस पाउडर को ऐसे थोड़ी सी मात्रा में ऐसे डाल देते हैं। तो हम जब अग्नयाधान करते हैं वो तुरंत अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाती हैं। और एक या दो टिकिया आवश्यकता अनुसार लेकर के उसको हम श्रू के अग्र भाग में इस प्रकार से, आप देख रहे ऐसे श्रू के अग्र भाग में इस प्रकार से रख दिया, जिसे वो दीपक से सीधा जलाने में आसानी हो जाए। इसी प्रकार से हम थोड़ी सी मात्रा में हवन सामग्री, जड़ी बूटियां, रोगानुसार हवन करते तो रोगानुसार वरना सामान्य, यह सामग्री इस प्रकार एक प्लेट में रख लेंगे। एक पात्र के अंदर घी को रखा, इसी प्रकार से जल को भी हम रख लेंगे। एक पात्र के अंदर हम थोड़ा सा जल और एक छोटी सी प्लेट अवशिष्ट जल को डालने के लिए, इस प्रकार से छोटी सी एक प्लेट और एक घी का पात्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा और हम जल रख लेते हैं। तो ये कलश में जल रख लिया और ये पूर्व की जो तैयारी के विषय में आपको बताया, और एक थोड़ा सा गुगुल धूपन के लिए बाद में। इतनी पूर्व की आप सभी लोगों ने तैयारी कर ली होगी। मंत्र उच्चारण के लिए कोई एक पुस्तक यज्ञ विधि के लिए या पंपलेट आदि भी आप रख सकते हैं। इतनी पूर्व तैयारी करके अब आइए हम सीधा बैठ करके परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम पूरे श्रद्धा भाव के साथ एक अनुष्ठान के भांति हवन यज्ञ अग्निहोत्र हम करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओ तीन बार ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण हम करते हैं। मंगलाचरण के पश्चात आचमन और अंग स्पर्श, पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक इस जल का हम पान करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मै श्रीश्रयतां स्वाहा। तीन बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। जो छोटी सी प्लेट है उसके अंदर अवशिष्ट जल को डाल देंगे और अब लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ की राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता और शुद्धिकरण की प्रभु से कामना और प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम वांग मा आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई, आचमन अंग स्पर्श आदि। इसके पश्चात हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। इसे हमारी वाणी भी पवित्र होगी, हमारा घर भी। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, अर्थात जिस घर के अंदर वेद मंत्रों का गान, वेद मंत्रों का पाठ नहीं होता, वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती है, जहाँ पर यज्ञ हवन याग आदि नहीं होते हैं, वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं। अर्थात जहाँ हम यज्ञ नहीं करते हैं वह स्थान
नेगेटिव शक्ति और रोग दोषों से युक्त रहते हैं और वहाँ रहने से हम दुख को प्राप्त होते हैं। तो आज हम सभी लोग वेद पाठ करते हुए और यज्ञ कर करके, हवन कर करके, हम अपनी वाणी के साथ साथ अपने परिवार, घर, सब कुछ पवित्र और शुभ से युक्त हो जाएगा। तो आइए आज हम सब लोग सीधे बैठते हुए श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विशाविधेम। ॐ य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः। यस्य छायामृतयस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशाविधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय विशाविधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विशाविधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। पूरी श्रद्धा भाव से युक्त होकर के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक आइए अग्नि देवता का आह्वान करते हुए, दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए सभी लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भू स्वाहा। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करते हैं और दीप प्रज्वलन के पश्चात अब जो शुरू के अंदर हमने कपूर रखा था, ये आप देख रहे हैं शुरू के अग्र भाग में कपूर बाहर निकलता हुआ, इस प्रकार रखेंगे तो दीपक से अच्छे से तुरंत प्रदीप्त कर पाएंगे। और अगले मंत्र के उच्चारण के पश्चात वेदी के मध्य में हम अग्न्याधान करेंगे।
ॐ भूर्भुवस्वर्गरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी थी उसके ऊपर इस अग्नि को स्थापित कर दीजिए और दीपक को ईशान कोण पर छोड़ दीजिए। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इसके ऊपर छोटी छोटी संविधा लगाते हुए, गोमय की संविधा जो आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको इसे बीच में लगा करके और थोड़ा घी की आहुति देते हुए इसको विशेष रूप से प्रदीप कर रहे हैं। ओम उद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवायजमानश्च सीदत। इस प्रकार से यह मंत्र के उच्चारण के दौरान हम विशेष आहुति देते हुए और छोटी संविधा से लेकर के जो भी आवश्यक हो अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए वो किया जाता है। अब हम संविधा धान करेंगे जो हमने तीन संविधाएं गाय के घी से भीगी हुई सिंचित की हुई रखी हैं। दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लेंगे और मंत्रोच्चारण पूर्वक चार मंत्रों से हम तीन संविधाओं का आधान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी संविधा ले लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्दाय शौचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ये समिधाधान। समिधाधान के बाद पंच घृत आहुति प्रदान करेंगे एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए। गर्म किया हुआ जो गाय का घी है उसकी पांच बार आहुति देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्दवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ
अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्य स्ववर्ध स्वचेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से जिस अग्नि का हमने आधान किया उस अग्नि को हम विशेष रूप से प्रदीप्त करते हैं कि वो हम जिन हवियों को देना चाहते हैं उन हवियों को वो ग्रहण कर पाए। अब ये अग्नि विशेष रूप से प्रदीप्त हो गई, उसके पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे, जल प्रोक्षण करेंगे। वेदी के चारों दिशाओं में दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे और वेदी के पश्चिम दिशा में हम दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। और अब चौथी बार जल लेकर के मंत्र के उच्चारण के पश्चात वेदी के पूर्व दिशा ईशान कोण, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं, जहाँ पे हम दीपक और कलश दोनों रखते हैं, और उसी कोण से प्रारंभ कर पहले पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा, फिर उत्तर दिशा से होते हुए ईशान कोण पर्यंत आते हैं। ये परिक्रमा क्रम से पूरा चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे मंत्र उच्चारण के पश्चात। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपु के तम न पुना तु वाचस्पतिर्वाचन न स्वदतु। और दीपक और कलश दोनों ही ईशान कोण में रख देते हैं, ईशान कोण पे छोड़ देते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम् यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम् तेन तेनैव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मैं शांतिलाल पटेल पूना महाराष्ट्र। पिछले 8 साल से मुझे माइग्रेन की वजह से महीने में 2 या 3 बार बहुत सिर दुखता था और जब मैं यात्रा करता था तो ये दर्द और बढ़ता था और मुझे वोमिट भी होती थी। इस माइग्रेन की वजह से मुझे सेरिडॉन टेबलेट भी लेनी पड़ती थी। उस दरमियान मेरा माथेरान शिविर में जाना हुआ, वहाँ पर मैंने भ्राता श्री सूरज भाई का एक प्रवचन सुना और वो बता रहे थे कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हर रोग का निवारण होता है। उन्होंने कहा पतंजलि योग विद्यापीठ में भिन्न भिन्न रोगियों को भिन्न रोगों से यज्ञ चिकित्सा पद्धति से उपचार किया है और वो ठीक भी हुए। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई, मैंने भ्राताश्री से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि औषधि युक्त जड़ी बूटियों से बनाई हुई औषधि युक्त सामग्रियों का प्रयोग करना, शुद्ध गाय का घी और
शुद्ध गाय का घी से प्रयोग से उसने बताई हुई सामग्री से मैंने निष्ठापूर्वक पालन किया और नरसी भाई ने बताया कि आप खान पान में खट्टा तीखा और दूध नहीं लेना, दिनचर्या भी बारे में बताया और उन्होंने कहा कि आप शाम को सोने से पहले 4 से 5 घंटा पहले भोजन ले लीजिए। खान पान में आप कभी खट्टा और तीखा न लेना, जिसके वजह से मुझे 29 फरवरी 2021 से आज 31 मार्च 2021 मुझे बिल्कुल माइग्रेन से मुक्ति मिली, मुझे दर्द नहीं हुआ, सेडोन लेनी भी नहीं पड़ती है और मैं ठीक हुआ। सिर्फ इतना यज्ञ चिकित्सा पद्धति का मैंने श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक और समर्पण भावना से इसका पालन किया और मुझे राहत मिली। सबका धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।